नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर आते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने बजट में क्षत्रियों के लिए योजनाओं का वादा किया। मशहूर सिंगर कैलाश खेर पर कर्नाटक में शो के दौरान फेंकी गई बोतल। पीएम मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति केस, आरोपी अमित अरोड़ा को 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिली। भारत जोड़ो यात्रा, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए की, बोले राहुल गांधी। पठान के लिए फैंस का रिएक्शन देखने थिएटर पहुंची दीपिका पादुकोण। एक्ट्रेस को फेस छिपाते देख फैंस बोले, यह दीपिका है या राज कुंद्रा। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की सुपर साइट और मोबाइल वैन। प्रदूषण के रियल टाइम कारकों का लगाया जा सकेगा पता। गोधरा केस, दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। ये सुप्रीम कोर्ट के समय की बर्बादी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले के कोर्ट में पहुंचने पर बोले कानून मंत्री। आर्यात्री, हाथों में सिगार और पिस्तौल के साथ नजर आई सुष्मिता सेन। आर्यात्री का प्रोमो देख फैंस बोले किलर। नई आबकारी नीति में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब। बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंसे कर्ज बटे खाते में डाले, निर्मला सीतारमण। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी मुर्तुजा को फांसी की सजा सुनाई। गुजरात दंगे और पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ ब्रिटेन की सड़कों पर उबला हिंदुस्तान। बीबीसी के दफ्तर तक तूफान। एनिमल फिल्म से लीक हुआ रणबीर कपूर का वीडियो, गैंगस्टर लुक ने मचाया तहलका। यूपी में योगी ने लॉन्च की आरोहिणी प्रोग्राम, छात्राओं को किया जाएगा जागरूक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हुए, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना। 14 राज्य और 4,000 किलोमीटर का सफर, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर हिंसक झड़प, खादिमों और बरेलवी जायरीनों में जमकर मारपीट। दीपिका की तरह पति रणवीर सिंह ऑल ब्लैक लुक में हुए स्पॉट। एयरपोर्ट लुक देखकर लोग बोले क्या हुआ बाबा की तबीयत। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों ने भीड़ पर किया हमला, 5 लोग घायल। पाकिस्तान उपचुनाव, सभी 33 संसदीय सीट पर पार्टी के इकलौते उम्मीदवार होंगे इमरान खान। चीन पर केंद्र की रणनीति को लेकर कांग्रेस हमलावर, जयराम रमेश बोले अपनाई जा रही है डीडीएलजे नीति। पाकिस्तान, पेशावर की मस्जिद में शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट, 17 लोगों की मौत, 50 घायल। तुम पर गर्व है, कराची यूनिवर्सिटी में खुद को बम से उड़ाने वाली महिला सुसाइड बॉम्बर के पति का संदेश। द बकिंगम मर्डर्स में करीना कपूर के नए कैरेक्टर का हुआ खुलासा, अलग अंदाज में आएगी नजर। मंदिर बॉय डेथ, नहीं थम रही इंडस्ट्री में शोक की लहर, कॉमेडी फिल्मों के बादशाह मशहूर एक्टर का हुआ निधन। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।